आज दैत्य गुरु शुक्रदेव ने राशि परिवर्तन कर लिया है। ये एक शुभ सुखद संकेत है जो हर राशि वालों को फ़ायदा देगा। लेकिन आज मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ, आज मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ कि वैभव लक्ष्मी माता की पुस्तक आप सभी ने पढ़ी होगी, उसमें एक जगह लिखा हुआ है कि होटल का खाना खाते हैं, यानी होटल का खाना खाना बर्बादी की जड़ होता है। जो घर बर्बाद होता है, वन ऑफ द रीज़न ये होता है कि बार बार होटल से खाना मंगाना या बार बार होटल में जाके खाना खाना बर्बादी की जड़ होता है। क्यों होता है, क्यों कही जाती है ऐसी बात, माता लक्ष्मी की पुस्तक में ऐसी बात कही जाए तो कुछ तो मर्म होगा इसके पीछे। तो आज मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आटे पर केंद्रित है आज का वीडियो, और आटा गूंथते समय आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए। अगर आप करते हैं तो इसको तुरंत स्टॉप कर दीजिए। कई लोग ऐसा कृत्य करते हैं, यही हम आपको बताने जा रहे हैं। क्योंकि होटल वाले क्या करते हैं, ढेर सारा आटा एक साथ गूंथ के रख देते हैं। उनके पास कहाँ टाइम है कि बार बार आटा गूंथने बैठे हैं, उनके पास तो इतने सारे लोग आते हैं खाने वाले, तो उनको तो उस हिसाब से आटा मैनेज करके रखना पड़ता है। वो आटा कई बार ऐसा होता है कि बेस्वाद लगता है, कई बार उस आटे में स्वाद ही नहीं होता। स्वाद नहीं होता मतलब उस आटा गूंदने वाले को ये मतलब नहीं है कि उसमें अपनी फीलिंग डाले, उसका तो ध्यान कहीं और होता है और आटा गूंदने के उसके मतलब नहीं होता। मतलब आटा वो गूंदना एक प्रक्रिया का हिस्सा है, उसका जॉब है, वो आटा गूंदना उसका जॉब है और उसको करता है। लेकिन 99 के फेर में पड़ जाता है, मतलब उसके दिमाग में कई अन्य कल्पनाएँ या कई अन्य बातें आने लगती हैं जिसका प्रभाव आटे पर पड़ता है। अगर उसके मन में नेगेटिव थॉट आया है तो नेगेटिव थॉट का प्रभाव आटे पर पड़ेगा, और ऐसा आटा खाने वाले, ऐसे आटे की रोटी खाने वाले झगड़ालू होते हैं, चिड़चिड़ेपन के शिकार होते हैं, अवसाद भी ऐसे लोगों के मन में उतर आता है और तरह तरह से नेगेटिव प्रतिक्रिया वो अपने जीवन में करते हैं जो अक्सर बाहर का खाना खाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि घर का बना हुआ खाना खाओ तो भी आपको उचित आपका नेचर होगा और आप सही व्यवहार करने लगेंगे। इसीलिए बाहर एक टैग चलता है, घर जैसा खाना, घर जैसा खाना। सड़ा हुआ खाने को भी घर जैसा खाना बता के बेचते हैं, शर्म भी नहीं आती उन लोगों को। ठंडी रोटियां बेचते हैं, गरम भी बेचते हैं तो समझ में आता है उनका सेठ कहीं और गायब हो गया, तो नौकर लोग ठंडा खाना ही क्लाइंट को भेज देते हैं। उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता गरम खाना जाता है या ठंडा खाना जाता है। ऐसा हमने स्वयं अनुभूत किया है। हम हालांकि बार बार खाना नहीं मंगाते हैं, लेकिन एक दो बार तो हम मंगाते हैं, इनकार नहीं करते, और इसके दुष्प्रभाव भी हमने देखे हैं। चिड़चिड़ापन आ जाता है, हमारे खुद के अंदर ही चिड़चिड़ापन आ जाता है, किसी बात पे आए सही बात पे भी चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो ये नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है उस आटे का जिसकी रोटी हम खाते हैं। मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप बाहर का खाना जितना ज़रूरी हो तभी खाएँ, अन्यथा बाहर के आटे की बनी हुई रोटी आपको नहीं खानी चाहिए। इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, और मैं तो बेसिक आपको बता रही हूँ, बहुत सारा चिड़चिड़ापन, बहुत सारा स्पेशली घर का पुरुष शराब पीने लगे या गाली गलौज करने लगे तो ये भी बहुत दुष्प्रभाव की निशानी है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं घर का खाना खाने से आपको क्या लाभ होता है, लेकिन घर के खाने में भी इस तरह से आटा नहीं गूंदे कभी भी जिससे आपको बाजार जैसा ही दुष्प्रभाव भुगतना पड़े। क्योंकि आप घर में आटा लगाते हैं, सही है आटा लगाना, आटा लगाना ही चाहिए, लेकिन आटा ऐसे वक्त पे लगा देते हैं कि किसी को उस समय खाना नहीं है, और उस आटे को आप लगा के फ्रिज में रखते हैं या अन्यत्र रखते हैं। आप एसी के अंदर आटे को रख सकते, एसी के अंदर से मतलब रखने से मतलब एसी की हवा में कमरे में ही आप आटा रखते हैं जिससे आटा ख़राब ना हो, ये भी गलत है। आपको आटा कहीं भी गूँथ के नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसको फ्रेश ही गूँथना चाहिए। ग्रंथों में और शास्त्रों में कहा गया है कि 4 घंटे से अगर अधिक आटा गूँथा हुआ होता है तो वो बहुत दुष्प्रभाव को जन्म देता है, और तरह तरह के दुष्प्रभाव उस घर के लोगों पर पड़ते हैं और उनको भुगतना पड़ता है नेगेटिव इफ़ेक्ट। तो आपको चाहिए कि आटा फौरन जब रोटी बनानी है तुरंत ही गूँथें और उसको गूँथ के रख दीजिए। आधे घंटे अगर आटा गूँथ के रखते हैं तो वो अच्छी कंडीशन में तैयार हो जाता है, अच्छी प्रिपरेशन उसकी हो जाती है, यानी कहें
कि वो रोटी अच्छी सिकती है और अच्छी फूलती है, ऐसा आटे का प्रभाव पड़ जाता है। तो इतनी देर अगर आप आटा गूंथ के रखते हैं तो कोई गलत नहीं है, लेकिन इसके अलावा अधिक देर तक आपको आटा कभी भी नहीं रखना चाहिए। फ्रिज में तो भूलकर भी आटा नहीं रखना चाहिए। जिस घर में अक्सर फ्रिज में आटा रखा जाता है, उस घर के लोग नेगेटिव एनर्जी के शिकार होते हैं और उनको समझदारी की कमी होती है, बात बात पे बिदकने लगते हैं, तुनक मिजाजी उनके अंदर आ जाती है। ये तो मैंने बेसिक आपको बातें बताई, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बता नहीं सकती, वो उनके व्यवहार में दिन प्रतिदिन का हिस्सा हो जाती हैं। तो अगर आप अपने घर के सदस्यों को सुखी देखना चाहते हैं तो उनको ताज़ा आटे की गूंथी हुई रोटी ही आपको खिलानी चाहिए। इसके अलावा आटा अगर आप गूंथ चुके हैं तो आपको उसकी छोटी छोटी गोलियां बनाकर चींटियों को डाल देनी चाहिए, उसके साथ बूरा भी भुरकें, और उसके साथ आपको खोपरे का जो गोले का चूरा होता है उस वो भी चींटियां बड़े मज़े से खाती हैं, उसको आप उनको देवें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। बूरे के एवज़ में आप चीनी या खांड या पताशे भी ले सकते हैं, इससे भी आपको कई गुना फ़ायदा होगा। माता लक्ष्मी को खीर बहुत प्रिय है, इसी प्रकार से जो जीव जंतु होते हैं उनको भी खीर बहुत प्रिय होती है। तो खीर का भोग अब आप माता लक्ष्मी को लगाते हैं तो उसके बाद जो प्रसादी के रूप में खीर होती है वो चींटे चींटी या जीव जंतुओं को भी वितरित करें, चिड़िया को देवें, कौवे को देवें, तो आपको बहुत ज़्यादा पुण्य का लाभ होगा और आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आएगी। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताना। मैं हूँ एस्ट्रो एंड वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमाश्री। आप मुझसे ज्योतिष संबंधी परामर्श भी ले सकते हैं और वास्तु संबंधी सलाह भी ले सकते हैं। एक छोटी सी सलाह आपके जीवन में खुशियों के रंग भर सकती है। मैं 25 साल से एस्ट्रो और वास्तु कंसल्टेंसी दे रही हूँ और बहुत लोगों का भला कर चुकी हूँ। अब आपकी बारी है, तुरंत संपर्क करिए। एक छोटी सी सलाह आपके जीवन को खुशहाल बना सकती है। आपके मकान में इतने इतने वास्तु दोष होते हैं आपको पता नहीं होता है और उनको किताबें पढ़ पढ़ के आप दूर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन सटीक आपको जानकारी नहीं मिलती है क्योंकि आपके बस की बात नहीं होती है। ये एक वास्तुशास्त्री ही जानता है कि कहाँ क्या गलत बना हुआ है, तो उसके सुझाव आपके बहुत काम आ सकते हैं। तो हमसे सलाह लीजिए, मात्र 5100 में आपको सलाह दी जा रही है ऑफ़र के तहत, और 1100 में आपको जन्म पत्रिका परामर्श दिया जा रहा है। ये नवरात्रि ऑफ़र हैं जो 15 दिन के लिए आगे बढ़ा दिए गए थे, इसमें कुछ ही दिन शेष हैं, तो आप अवश्य ही संपर्क करें और इस अवसर का लाभ उठाएं। हम रेकी हीलिंग भी करते हैं, एंजल हीलिंग भी करते हैं और लामा फेरा जो बुद्धा हीलिंग के नाम से फेमस है उसको भी करते हैं, तो इसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके चार्जेस थोड़े ज़्यादा हैं लेकिन काम इतना ज़्यादा परफेक्ट होता है कि आपकी समस्या तुरंत दूर होती है। चमत्कारिक ढंग से आप चमत्कृत रह जाते हैं कि आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव बदलाव आ चुका है, तो संपर्क अवश्य करिए। अब फोटो एनालिसिस भी आप करवा सकते हैं, पाम रीडिंग भी आप कर सकते हैं, जिनकी बर्थ डिटेल नहीं है वो फ़ोटो एनालिसिस करा सकते हैं या पाम रीडिंग करवा सकते हैं। इसके भी चार्जेस 1100 हैं और जन्म पत्री के चार्जेस भी 1100 हैं। अगर आप तीनों ही फैसिलिटी चाहते हैं तो 3300 रुपये आपको हमको अदा करने पड़ेंगे। थैंक यू सो मच।